संत और गृहस्थ में अंतर क्या है? संत को जंगल जाने की जल्दी और गृहस्थ को घर जाने की जल्दी, फर्क इतना है। और बराबर गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हुआ, देवहूति जी ने गर्भ को धारण किया, समय व्यतीत हुआ और पहले पहल देवहूति ने कन्या को जन्म दिया। करदम विचार करने लगे, भगवान भी झूठ बोल गए। भगवान ने कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा, बेटा बन के आऊं, यहां तो आ गई कन्या। बोले शायद दोबारा भगवान आए। ऐसा करते करते वहां कन्याओं की लाइन लग गई, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ कन्याएं। करदम जी ने कहा मैं जंगल जाऊं, देवहूति ने कहा एक बेटी का हो, उसकी पढ़ाई लिखाई शादी करना कितना मुश्किल, यहां तो नौ है, पहले इनको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो विवाह करो फिर जाना जहां जाना हो। करदम जी विचार करने लगे मैं तो फंस गया चक्कर में। नौ कन्या माने नवधा भक्ति, अपने जीवन में नौ में से एक भी भक्ति आ जाए तो समझ लेना परमात्मा की कृपा अपने ऊपर हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नौ भक्ति आ जाए अपने जीवन में। और बाबा जी ने भी बड़ा सुंदर कहा है, नौ भक्ति माने श्रवण कीर्तन, जो आप श्रवण कर रहे हैं नौ प्रकार की भक्ति है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसमें एक दो भी आ जाए तो भी अपना जीवन उद्धार हो जाता है। बराबर करदम जी इंतजार करने लगे कि भगवान ने असत्य बोला, पर उनको विश्वास था कि इंतजार करते रहो। बराबर देवहूति ने गर्भ को धारण किया है, जब भगवान ने का गर्भ में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो करदम जी के आश्रम में बड़ा दिव्य वातावरण बनने लगा। बड़े बड़े संत महात्मा करदम जी के आश्रम में आने लगे, चारों तरफ से जय जयकार की आवाज होने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और देवहूति के यहां भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। चारों तरफ से सुंदर देवता लोग पुष्पों की बरसात करने लगे, सुंदर बाजिंद्र बजने लगे, सुंदर तारों तरफ जय जयकार होने लगा। करदम जी का प्रागट्य हुआ, और करदम जी ने कहा कपिल का दर्शन किया, बोले मैं जंगल जाऊं, धन्य है वो पिता है कि अपनी पत्नी से आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं जंगल जाऊं, और धन्य है वह पत्नी जिसने कहा कि मैं आप जंगल जाओ। अभी बालक छोटे हैं कपिल भगवान। करदम जी जंगल में साधना करने के लिए गए और कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। और एक दिन भागवत जी की क्रांति आई, देवहूति जी एक दिन दौड़ते दौड़ते आई और अपने बेटे कपिल जी के चरणों में गिर पड़ी। कपिल भगवान ने कहा ये क्या है? बोले आप मेरे गुरु बन गए। पहले दिन आपने कल कथा में सुना आत्मदेव अपने बेटे गोकर्ण जी को गुरु बना लिया, और यहां आज देवहूति जी अपने बेटे कपिल को गुरु बनाने लगी है। बोले आप मुझे ज्ञान दे दो। यहां से कपिल गीता प्रारंभ होती है और कपिल से उसने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि संसार में बंधन और मोक्ष का कारण क्या। बड़ी सुंदर ज्ञान की चर्चा है, थोड़ा समय लेंगे ज्यादा नहीं है। कपिल माने बड़ा सूक्ष्म ज्ञान,
हम सबके ऊपर कोई बंधन है नहीं है, पर सब एक ना एक दूसरे के बंधन में पड़े हैं। सबको घर परिवार कुटुंब सबकी चिंता है। इसका कारण क्या? कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर समझाया। उन्होंने कहा जो अपना मन है ना, ये बराबर बकरी के समान है। बकरी तो समझते ना। कपिल भगवान ने कहा हमारे बंधन और मोक्ष का कारण हमारा और आपका मन है। बस आप मन से बंधे हैं, मन से आप बंधन में हैं। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर समझाया। कपिल महाराज चले गए गंगा सागर में और अपनी कथा चल रही थी मनु और शत्रुपा की। मनु और शत्रुपा, उनके यहां तीन कन्याएं हुई, रुचि और देवहूति, और तीसरा का नाम था आकृति। आकृति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के यहां 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। जो 14वीं थी उसका विवाह अग्नि नारायण के साथ, जिसका नाम था स्वाहा। अपने हवन यज्ञ करते हैं ना स्वाहा स्वाहा। और जो 15वीं कन्या थी जिसका नाम था स्वधा, उसका विवाह पितृ देवताओं के साथ हुआ। जब पितृ कार्य करते हैं तो स्वधा बोलते हैं। और जो 16वीं कन्या थी जिसका नाम था सती, सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। शिव जी सती को लेकर के कैलाश में गए। और एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया, देवताओं की मीटिंग किया। और जब कोई मीटिंग हो ना तो नियम है कोई ना कोई किसी ना किसी को अध्यक्ष होना चाहिए। अब सब लोगों ने दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बना दिया, उसको गद्दी में बैठाया, सुंदर मुकुट पहनाया, तिलक लगाया, सब लोगों ने बधाई दिया। पर भगवान शिव जी ने दिया नहीं, क्योंकि शिव जी समाधि में थे। शिव जी ज्यादा संसार में देखते नहीं। जहां हुआ समय मिला आंख बंद किए, हाथ में गले में रुद्राक्ष की माला रहते हैं, सुंदर भगवान शिव जी जप प्रारंभ कर देते हैं कि हरे रामा 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 रा राम 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 राम। अभी शिव जी ने प्रणाम नहीं किया और दक्षा प्रजापति के दामाद थे शिव जी। परिणाम दक्षा प्रजापति को क्रोध आया, सभा में खड़ा हुआ, बोला देवताओं सुनो, ये जो आंख बंद करके बैठा है ना, ये हमारे सती का भाग्य फूट गया कि इसका विवाह मैंने इसके साथ कर दिया। अभी शिव की निंदा प्रारंभ किया, पुष्प दंत जी ने उसी निंदा को स्तुति बना दिया। इतनी निंदा किया और दक्ष प्रजापति ने कहा आज के बाद ये इसको इसका नाम अघोड़ी रख दिया, भोलेनाथ का नाम अघोड़ी। आज के बाद इसको कोई बुलाना नहीं। और शिव जी के भक्तों ने श्राप दे दिया, जिस यज्ञ में भगवान शिव जी नहीं आएंगे वो यज्ञ कभी पूरा होने वाला नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान में गए। एक बार दोबारा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया और भोलेनाथ को बुलाया नहीं। सती जी जबरदस्ती अपने पिताजी के यहां आई और उनको मालूम पड़ा ये यज्ञ मेरे पति के अपमान के लिए है।
परिणाम भगवती सती को क्रोध आया और यज्ञ कुंड में स्वाहाकार किया। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष प्रजापति का मस्तक काटा और यज्ञ कुंड में स्वाहा किया। नारद जी दौड़ते दौड़ते कैलाश गए हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए, महाराज यज्ञ विध्वंस हो गया है, आपकी पत्नी सती का शरीर शांत हुआ, अगर यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ पूरा नहीं होगा तो आपके ऊपर कलंक आएगा। हर व्यक्ति का कर्म है यज्ञ में सहयोग करना, यज्ञ में सहायता करना। आज शिवजी यज्ञ को पूरा करने के लिए स्वयं गए हैं। आज शिवजी ने यज्ञ प्रारंभ किया, दोबारा यज्ञ का आयोजन किया, दक्ष प्रजापति को एक बकरे का मस्तक फिट किया और उसको जीवित किया और सब लोगों ने भगवान शिव को जयकारा लगाया है। बोले आप तो सब लोग देव हैं पर अपने भोलेनाथ महादेव हैं। सभी देवता हैं पर भोलेनाथ अपने महादेव हैं। आज सब शिवजी का सुंदर अभिषेक किया है, जलधारा किया है, पुष्पों की माला पहनाई, बेलपत्र पहनाया और भगवान शिव का जयकारा लगाया। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ सुंदर डमरू बजा के सुंदर नाचे, उत्सव मनाए, आनंद मनाए, क्योंकि आज यज्ञ पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। सती का दोबारा जन्म हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ, भगवान शिव जी के साथ पुनः पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, भगवान कैलाश में विराजे और यहाँ सुखदेव जी ने भागवत जी का तीसरा स्कंध परिपूर्ण किया है। चौथे स्कंध में बड़ी अद्भुत कथा आती है। चौथा स्कंध भक्त का स्कंध है और आपने मनु शत्रुपा की तीन बेटियों की कथा सुनी, आकृति देवहूति और प्रसूति, उनके यहां दो बेटे थे, एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। मनु शत्रुपा के बेटे, पहले बेटे जिनका नाम था उत्तानपाद, सुखदेव जी ने बड़ी कथा सुंदर प्रारंभ किया है। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरचि प्रेयसी पत्नी नेतरां यसुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो स्त्रियां, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। नाम से अर्थ निकाल लेना है, सुनीति माने अच्छी नीति और सुरुचि माने अपनी जो रुचि हो, और सुनीति से जो बेटा होता उसका नाम ध्रुव, ध्रुव माने अटल, और जो सुरुचि से पैदा होता है उसका नाम है उत्तम। अब राजा का प्रेम सुरुचि के साथ ज्यादा, सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति दूसरे महल में रहे और ध्रुव बिचारा 5 वर्ष का बालक। एक दिन राजा राज गद्दी में बैठा, सब लोग अपने अपने आसन में बैठे थे, ध्रुव दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। ये बात सबको अच्छी लगी पर सुरुचि को अच्छी नहीं लगी आए। सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव का और बोला, बेटा तू तो दासी का पुत्र है, तू नीचे बैठ, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो साधना करो, भगवान मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा जन्म दोबारा सुरुचि के गर्भ से हो। दिन ध्रुव खेलते खेलते आया और अपनी मां से कहा, मां बोले हां, बोले मैं जंगल जाऊं साधना करने के लिए,
माँ ने कहा बेटा तू अभी 5 साल का और राजकुमार है, अभी तुझे पढ़ना है लिखना है, इतना बड़ा राज्य संभालना है। पर 5 वर्ष का बालक उसने कहा मां बिना तपस्या के सब बेकार है। कितनी अद्भुत बात है, एक 5 वर्ष के बालक में इतना ज्ञान है कि बिना तपस्या के अब सब जीवन बेकार है। पर मां ने कहा बेटा अगर तुम्हारी मां ने कहा है तो जरूर जाओ। आज ध्रुव को विदा करने के लिए मात्र सुनीति और ध्रुव के 2-5 मित्र ध्रुव को विदा करने के लिए जा रहे हैं। पर आज सुनीति ने अपने आंखों से कहा अगर एक आंसू भी गिरेंगे तो मैं आंख निकाल के बाहर फेंक दूंगी, क्योंकि कोई भी लाल अपनी मां का आंसू नहीं देख सकता है।